أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं मुजाहिद हुसैन रजवी उस्ताद दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद दर्जाए सादिसा के मुतालिमीन से मुखातिब हूँ और हिदाया किताबुन निकाह का दर्स देने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने खलवते सहीहा और खलवते फासिदा का बयान समाप्त फरमाया और ये मसला पढ़ा कि खलवते सहीहा की सूरत में शौहर के ऊपर कमाल महर वाजिब हो जाता है, लेकिन खलवते फासिदा की सूरत में कमाल महर वाजिब नहीं होता। यहाँ से ये मसला बयान कर रहे हैं कि महर के बतौर कमाल वजूब और अदम वजूब का मसला अलग है, इद्दत का मसला अलग है। खलवते सहीहा में कमाल महर वाजिब है, खलवते फासिदा में कमाल महर वाजिब नहीं है। ये वजूब महर में दोनों के बीच हुक्म में फर्क तो है, लेकिन इद्दत के मामले में कोई फर्क नहीं है। इसी से जुड़ी हुई इबारत आज आप पढ़ेंगे और उसकी तशरीह समाप्त करेंगे। पहले इबारत सुन लीजिए। काला व अलैहल इद्दतु फी जमी हाजिहिल मसाइल इहतियातन इस्तिहसानन लितवहुम शुगल वल इद्दतु हक्कु शर्अ वल वलद फला युसद्दकु फी इब्ताल हक्किल गैर बिखिलाफिल महर लिअन्नहु मालुन ला युहतातु फी ईजाबिह व ज़कर अल क़ुदूरियु फी शर्हिही अन्नल मानिअ इन काना शर्इयन तजिबुल इद्दा लिसुबूति तमक्कुन हकीकतन व इन काना हकीकियन कल मर्द व सग्र ला तजिबु लिअदम तमक्कुन हकीकतन। इससे पहले कि मैं इबारत का तर्जमा करूं, इस इबारत में जो मसला बयान किया गया है पहले वो मसला आप सुन लें। ये मसला जामे सगीर का है और उसका हासिल ये है कि मा कबल में बयान करदा खलवत की तमाम सूरतों में मशगूलियत रहम के वहम की वजह से औरत पर इद्दत वाजिब है, खा खलवत खलवते सहिया हो या खलवते फासिदा। और ये हुक्म जो है ये मबनी पर एहतियात है और अजराह इस्तिहसान है, वरना कयास का तकाजा तो ये था कि इद्दत मुदलकन वाजिब ना हो, खा खलवत सहीहा हो या फासदा हो। खलवते फासदा में तो अदम वजूब इद्दत का मामला बिल्कुल जाहिर है कि खलवते फासदा दुखूल के कायम मकाम नहीं होती, और खलवते सहीहा अगरचे दुखूल के कायम मकाम होती है मगर जब उसमें वती नहीं होती और कबलत दुखूल ही औरत मुतल्लका हो जाती है तो क्यों खा मखा उस पर वाद इद्दत वाजिब की जाए। इसलिए अज रूए कयास तो वजूब इद्दत का मसला दुरुस्त नहीं है। ताहम इस्तिहसानन अज़राह इस्तिहसान और अज़रूवे एहतियात इन सारी सूरतों में इद्दत वाजिब होगी और यही दुरुस्त है। और ढेर सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें कयास को तर्क करके इस्तिहसान पर अमल किया जाता है,
इसकी तफसील दीगर किताबों में या उसूल इफ्ता की किताबों में मौजूद है। बहरहाल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने खलवत की तमाम सूरतों में औरत पर इद्दत वाजिब करार दी है और दलील ये बयान की है कि खलवत की सूरत में अगरचे वती का यकीन नहीं है मगर ये इहतमाल तो है कि वती भी की गई हो, इसलिए कि जब दो जवान दिल इकट्ठा होंगे तो फिर इसका इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो जाए। और फिर यहाँ तो वो दोनों जायज़ तौर पर मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ तो और भी वकूए वती का इम्कान है। इसी तरह शौहर के मजबूब हो वगैरह होने की सूरत में भी मशगूलियत रहम का अंदेशा है और वो इस तरह हो सकता है कि अपनी शर्मगाह को मजबूब औरत की शर्मगाह से रगड़े और मकाम को मकाम से मिलाए, नीज फेरने और जोर लगाने से मनी का खुरूज हो जाए और वो अंदर तक जा पहुँचे। लिहाजा जब खलवत की जुमला सूरतों में वकूए वती का एहतमाल मौजूद है तो ऐसी सूरत में इद्दत वाजिब करने ही में एहतियात है। वल इद्दतो हक्कु शरई से जो इबारत है किताब में, इस इबारत का मफहूम यह है कि औरत पर बहरहाल इद्दत वाजिब होगी और इस सिलसिले में न औरत की बात मानी जाएगी कि शौहर ने मुझसे वती नहीं की, न ही शौहर की बात मोतबर होगी कि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि इद्दत से शरीयत और बच्चे दोनों का हक मुतालिक है। शरीयत का हक तो इस तरह मुतालिक है कि ज़ौजैन इस्कात इद्दत के मालिक नहीं है, इसका वजूब शरअन है, और बच्चे का हक उस हदीस से मुतालिक है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यस्कियन्ना मा ज़रअ गैरी से बयान फरमाया है। लिहाजा जब इद्दत से दो दो हुकूक मुतालिक हैं तो अब आप उसे साकित करने की गरज से किसी की बात का एतबार नहीं करेंगे, खाह ओ मियाँ हो या बीवी हो, न शौहर की बात मानी जाएगी न बीवी की मानी जाएगी, इसलिए कि ज़ाब्ता यह है कि ला युतबरु कौलुल मरा मर बेफी इब्ताल हक़ल गैर, हक़ एक गैर के इब्ताल से मुतालिक किसी की बात मोतबर नहीं होगी। है ना, अच्छी बात है। बेखिलाफिल महर से जो इबारत है उसमें एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह है कि जब आप खलवत सहीहा और फासिदा दोनों खलवतों में वजूब इद्दत के कायल हैं और उसमें ज़र्रा बराबर नरमी बरतने के लिए, लचक पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दोनों सूरतों में आपको औरत पर औरत के लिए पूरा महर भी वाजिब शौहर पे करना चाहिए था। आपने ये क्यों किया कि खलवत सहीहा की सूरत में तो पूरा महर वाजिब होगा और खलवत फासदा की सूरत में निस्म महर वाजिब होगा? इसी का जवाब देते हुए साहिब हिदाया कहते हैं कि वजूब महर में फ़र्क की वजह यह है कि महर भाई माल होता है और माल के वजूब में
किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं होती और एहतियात या इस्तेहसान पर बरबिनाए ज़रूरत ही अमल होता है। इसलिए जहाँ ज़रूरत है यानी इद्दत में, वहाँ तो हमने एहतियात पर अमल किया, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ यानी वजूब बहर के सिलसिले में कयास को बदस्तूर बाकी रखा। वज़कर अल-क़ुदूरी से इबारत जो है किताब की, इस इबारत का हासिल ये है कि इमाम क़ुदूरी ने इमाम करखी की मुख्तसर पर जो तशरीह रकम फरमाई है उसमें उन्होंने मानेअ को यानी खलवत सहीहा से जो माने, इस मानेअ अनिल खलवती सहीहा को दो किस्मों में मुनक्किसम किया है, नंबर एक शरई और नंबर दो गैर हक शरई और नंबर दो हकीकी, और तकसीम करके वजूब इद्दत और वदू में अदम वजूब इद्दत में फ़र्क भी बयान किया है। चुनांचे साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं कि अगर माने यानी खलवत सहीहा से माने शर्वी हो, मसलन रमज़ान का रोज़ा, हज का एहराम, तो चूँकि शरअन कुदरत अलवती नहीं है मगर हकीकतन तमक्कुन मौजूद है, इसलिए अज़राह इस्तेहसान एहतियातन इस सूरत में इद्दत वाजिब होगी। और अगर माने शरी न हो बल्कि हकीकी हो जैसे मर्ज वगैरह, तो इस सूरत में अगरचे शरअन कुदरत अलल मौजूद है मगर हकीकतन तमक्कुन और कुदरत मफकूद है, इसलिए इस सूरत में इद्दत वाजिब नहीं होगी, क्योंकि जब हकीकतन तमक्कुन मादूद है तो मशगूलियत रहम का मसला भी मफकूद और मादूम ही रहेगा। ये रही इबारत की मुख्तसर सी तशरीह। अब आप तर्जमा देख लें। काल और कहा साहिब क़ुदूरी ने कि औरत के ऊपर इन सारे मसाइल में एहतियातन इस्तेहसानन इद्दत वाजिब है, ले तवहुम शुगल यानी ले तवहुम शुगल रहम, रहम के मशगूल हो जाने के वहम की बुनियाद पर, और इद्दत हक शरा और हक वलद है, तो अब हक गैर को बातिल करार देने के सिलसिले में तस्दीक नहीं की जाएगी बखिलाफ महर के, क्योंकि महर माल है उसके इजाब में एहतियात नहीं बरता जाता। और क़ुदूरी ने जिक्र किया है अपनी शरह में कि अगर माने शरई हो तो इद्दत वाजिब है, क्योंकि हकीकतन कुदरत अलवती का सबूत मुमकिन है, और अगर माने हकीकी हो जैसे कि बीमारी है और सिगर है तो ऐसी सूरत में इद्दत वाजिब नहीं होगी, क्योंकि हकीकतन तमक्कुन मादूब है। ये रहा ये रही आज की इबारत। बाकी